गाइस देखो यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है, वही सोलर पिलर है गाइस। मतलब तो गाइस हम लोग जो है 2 घंटे लग गए हम लोग को आज सकते वृंदास यहाँ पे, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स फिलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं, देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो है जो हम लोग बोल सकते हैं बुद्धिज्म का पूरा बना हुआ है, बुद्धिस्ट और ये मतलब अलग ही है। नेपाल आप लोग समझ सकते, म्यांमार अलग अलग जो ये है वहाँ की कल्चर पूरा एक ही है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये एंट्री और हम लोग एंटर कर चुके हैं। बेसिकली एशिया के अंदर आता है, तो एशिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है अपना ये। तो यहाँ ये जो कल्चर है पूरा का पूरा जो है मैंने बताया चाइना ये सब जगह पे, नेपाल एंड अलग अलग जगह का है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। सिक्योरिटी चीज़ है तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चेकिंग करवाना पड़ेगा। गाइस देख सकते हो ये यहाँ से मेन एंट्री है, यहाँ से आप लोग अंदर एंटर कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से व्यू दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये पूरा जो है आप लोग देख, आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी चीज़ें होती है, बुद्धिज़्म होता है और ये थाईलैंड वगैरह में भी ये सब टावर्स टावर्स बोलते हैं, तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। एक्चुअली ये पूरा मेडिटेशन हाउस है, मेडिटेशन ग्राउंड है, इस तरीके अंदर आप जाओगे तो मेडिटेशन वगैरह करने की जगह है, काफ़ी ये चीज़ है। तो देख रहे हो यहाँ पे अलग है बेल, अभी हम लोग वो भी चल के देखेंगे। तो अलग अलग ग्राउंड लेवल पे आप लोग देख सकते हो, ट्रस्ट ऑफिस है मेन पगोड़ा और परिक्रमा लेवल है, तो हम लोग वो भी देखेंगे ऊपर की साइड में कैसा होता है परिक्रमा लेवल। तो गाइस हम लोग जो है 2 घंटे लग गए हम लोग को आते आते, तो आप लोगों को पहले तो बताएंगे कि हम लोग जो आए हैं आप लोग फेरी से आ सकते हो डायरेक्टली बोरीवली से, तो वहीं से आना और डायरेक्टली बाइक वगैरह भी पोर्ट हो जाता है शिप पे, तो आप लोग आ सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्यू। देखो ये है बेल टावर, तो ये देख सकते हो पूरा किस तरीके से लोग यहाँ पे मतलब बेल बजा रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा उस साइड से कवर करता हूँ। देखो यहाँ पे थॉट भी लिखा है, मेड टू वर्ड्स ऑफ धर्म साउंड थ्रू आउट अर्थ एंड, काफ़ी चीज़ है। देखो तो मैं थोड़ा सा वहाँ से दिखाएंगे कुछ करता हूँ कैसे बजा सकते हो आप लोग, थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से आप मतलब लाइन लगी और इस तरीके से लोग बैल को जो है बजाते हैं। कल्चर नेपाली, नेपाल में जो अलग अलग है, थाईलैंड में कोरिया ये सब जगह पे ये चीज़ है, ये होता है। तो काफ़ी अलग लेवल का, काफ़ी अलग क्रेज़ है लोग मतलब यहाँ पे आते हैं लोग। देखो है दूसरा कल्चर लेकिन हम सब भी आते हैं लोग यहाँ पे इसे मतलब इंजॉय करते हैं इस तरीके का। ये बेल टावर है, तो कुछ और चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अरे सच में मतलब ये देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा भी दिखा रहा है, मतलब आप बाहर हो और अचानक से ऐसे जगह पे आ गए, पूरा का पूरा जो ये बनाया गया है जो स्ट्रक्चर है वो जो स्टोन्स है, जैसे कि इसके अभी हम लोग देखेंगे स्टोन्स भी इंटरलॉकिंग स्टोन्स है, काफ़ी अलग है स्टोन्स है। तो वैसे आप लोग सिंपली आप लोगों को जो नॉर्मल स्टोन्स देखने को मिलता है वैसे नहीं होते यहाँ पर, आप ऊपर जाओगे परिक्रमा कर सकते हो, घूम सकते हो पूरा ऐसा कुछ है। अभी हम लोग देखते हैं कि आप घूम सकते हो कि नहीं, ऐसे तो घूम सकते हो जहाँ तक है कि लग रहा है, तो हम लोग देखते हैं। फिलहाल देखो अंदर काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें देखेंगे नीचे। देखो फोटो गैलरी वगैरह, पेंटिंग गैलरी भी है, तो हम लोग जो आर्ट गैलरी है तो हम लोग वो भी देखेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। देखो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है वैसे तो, काफ़ी बेहतरीन एरिया है। देखो अलग अलग टावर्स है, अलग अलग टावर है, तो अभी हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ घूम सकते हो आप लोग पूरा जो है, पूरी परिक्रमा कर सकते हो, पूरा घूम सकते हो, राउंड लगा सकते हो। तो व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग बहुत आ रखे हैं यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए, जैसे कि देख ही रहे हो आप लोग पूरा घूमते हैं हम लोग। जैसे कि मैं सोच रहा था
कि आप घूम सकते हो कि नहीं ऊपर, लेकिन हम घूम सकते। तो यहाँ पे लोग भी है जो रहने के लिए, तो अलग अलग चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। थोड़ा सा आगे चल के हम लोग कवर करने की कोशिश करते। काफ़ी अलग आर्किटेक्चर है, देख रहे हो पूरा, देखो सच में, मतलब इट्स अ न्यू प्लेस फॉर अस। यहाँ पे अलग अलग थॉट है, देख सकते हो, देखो अलग अलग थॉट है, कास्ट ऑफ स्किन कलर मेक्स योर लाइफ नेदर हाई नॉर लो, अलग अलग थॉट है, देखो पढ़ सकते हो आप लोग, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मीनिंग है इनके। गोरा काला सावरा मानुष मानुष होए मन मलिन जो जो कर तो दुखी होए। इसका मीनिंग तो समझ नहीं आ रहे हो, लेकिन आप समझ सकते हो, थोड़ा सा संस्कृति वर्ड्स है और काफ़ी अलग चीज़ है ये, अलग अलग कल्चर देखने को काफ़ी अच्छा लगता है। सर देखो पढ़ सकते हो आप लोग, काफ़ी अलग चीज़ है, धर्म तो मंदिरी नाच बाजारी एक तो मन तथा ही न तो तर अचरालय ने मिल तो, सब चीज़ें अलग अलग है गाइस। मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है, बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। क्यों तो दीपी भी आया मेरे साथ में, और यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो तो काफ़ी अलग ही व्यू देखने को मिला यार, अजब का। गाइस फिलहाल अभी हम लोग आर्ट गैलरी के साइड पर चलेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे जाके क्या क्या आर्ट्स मतलब वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें मतलब लगाई जाती है या फिर क्या क्या होता है, वो भी चीज़ देखते हैं हम लोग। और फिलहाल तो ये देखो यहाँ पे आगे की तरफ भी है एक टावर, ऐसे बीच में जो है ये काफ़ी बड़ा टावर है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे वहाँ पे आप लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हो वो जगह। फिलहाल हम लोग आगे की साइड ही चल रहे हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए अभी है, तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए यहाँ पे, और काफ़ी लोग अंदर भी है, अंदर गए तो देखो टाइमिंग है यहाँ पे 5:30 बजे तक आप लोग अंदर जा सकते हो, 5:30 बजे बंद हो जाएगा, अलग अलग है। अशोका टावर भी है ना यहाँ पे, तो गाइस देख रहे हो उत्तर पगोड़ा नॉर्थ पगोड़ा ये, और आप लोग जो है यहाँ से अंदर जा सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब लोग जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ है मेडिटेशन, बट क्या आप कह सकते हो एक मतलब फील होगा आप लोग को अलग ही आराम से, शांति का माहौल, शांति का प्रति एकदम है। मेन पकौड़ा जो है ये, यहाँ पे देखो वो अशोका चक्र है, वो भी चीज़ देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, वैसे देखो यहाँ पे एकदम अचक है जो, तो आप लोग ये भी यहाँ पे देख सकते हो व्हील जो है घूमते रहता है ऐसा कंटिन्यू, तो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी चीज़ है, आप लोग आके ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ फोटोज़ वगैरह ले सकते हो, वीडियोज़ वगैरह जो भी आपके मतलब एक्टिविटीज़ है कर सकते हो, तो काफ़ी अलग ही व्यू है। चलो फिलहाल चलते हैं, पानी की सुविधा वगैरह है यहाँ पे, चलो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, देख सकते हो ये काफ़ी अट्रैक्टिव जो दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ, देखो यहाँ पे पानी का जो है व्यू गिर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, जो भी चीज़ है यहाँ पे काफ़ी अलग है। देखो बुद्धिज़्म है, अलग अलग चीज़ है, आकाश देवी आकाश देवता देख सकते हो, अलग अलग देव है मतलब इनके देख सकते हो, देव जंतु और ये आकाश देवता, काफ़ी अच्छा व्यू है। पानी का जो फ्लो आ रहा है वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो आप लोग ये सब चीज़, पगोड़ा का ये जो एरिया है इसको इनॉग्रेट 2000 में किया गया प्रतिभा पाटिल, जिस समय प्रेसिडेंट थी, और 8 फरवरी 2009 को ये
कंप्लीट हुआ था, तो यानी कि 8 साल इसको लग गया था कंप्लीट होने को, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने को। काफ़ी अच्छा ये जो जगह बना है और एंशंट पीरियड का है ये, काफ़ी पुराना है। तो एक्चुअली ये पूरा नेपाली कल्चर है पूरा, अगर आप लोग देखो तो एकदम नेपाल के जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, कि उस तरीके का ही है पूरा नेपाल बुद्धिज़्म कल्चर, वहीं से पूरा का पूरा जो है बना हुआ है। तो काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई जैसे कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे सत्यनारायण गोयनका या श्रीमती इलायची देवी गोयनका जो है, उनका जन्म हुआ यहाँ पे एक साथ रहे 5 जनवरी ये हुए 18 जनवरी जो है, ये 5 जनवरी तक, और ये 30 जनवरी से 29 सितंबर 2013 तक। तो यहाँ पे उनकी पूरी जीवन लेखा लिखी हुई है, कैसे किस तरह से वो लोग आए और किस तरह से उनका एक साथ रहना हुआ, और किस तरह से वो संस्कृत है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बांटते गए, लोगों को समझाते गए। आप लोग देख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी मार के देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में, या फिर यहाँ आके भी आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप लोग को दिखेगा ये चीज़ है, काफ़ी अलग है। तो आप लोग आ सकते हो, देख सकते हो। फिलहाल तो अभी हम चलते, इतना टाइम नहीं है, काफ़ी अलग चीज़ है ये। तो आप ये आगे थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन भी बनाया हुआ बच्चे लोग खेलने के लिए, झूला वगैरह देखो झूल रहे बच्चे कुछ लोग यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे फाउंटेन भी है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो फाउंटेन जो है छोटा सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे और वहाँ से जो है पानी का जो फोर्स निकल रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो बुद्धिज़्म से भरा हुआ है, देखो अशोका पिलर है इस पे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इसके बारे में पूरा, ये देख सकते हो। थोड़ा दूर से मैं दिखाता आप लोगों को, विपासना पकौड़ा अशोका पिलर, ये देखो यहाँ से जो, तो ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, लोग बैठे हुए यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी चीज़ें देखो वहाँ पे बन रहा है, नया बन रहा है शायद से, या फिर रिपेयर वगैरह कुछ हो रहा है, या फिर कुछ और इनोग्रेट कर रहे होंगे, कुछ और एनहांस कर रहे बढ़ा रहे होंगे। फिलहाल चलते आगे की तरफ। तो अभी फिलहाल हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे और क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो यही है यहाँ पे, देखो रह रहे होंगे लोग, यहाँ की जो देख देख करने वाले लोग हैं वो रहते होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा भी है गुरुजी निवास है ये, तो यहाँ के गुरुजी होंगे जो वो रहते होंगे। देखो नवा पट्टाना उपासना सेंटर, तो ये है। अभी फिलहाल हम लोग जो है घूम के पूरा आ चुके हैं यहाँ पे वापस से, जहाँ से हम लोग चढ़े थे ऊपर। जैसे कि दोस्तों मतलब आप समझ सकते हो कि आप लोग अगर मेडिटेशन या फिर एक शांति है, एक शांति का प्रतीक चाहिए एकदम, मतलब एक पीस ऑफ पावर चाहिए, तो ये जगह बहुत ही अच्छी है मेडिटेशन के लिए और काफ़ी अलग है। मतलब आप आके एक पीस ऑफ एनवायरनमेंट देख सकते हो, ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है, एक बार ज़रूर विजिट करो। व्यू देखो यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल और पूरा रोड जो एरिया है पूरा, ये जो स्टेबल है जो मतलब बना हुआ है पूरा विश्वबीच जंगल के बना हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी अलग देखने को मिली। देखो काफ़ी अलग ही है, मतलब जितना देखोगे अपना लगेगा कुछ न्यू देख रहे हैं हम लोग। गाइस देखो यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है, वही लाइट का जो यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, आप समझ सकते हो कितने सेव कर रहे हैं एनर्जी लोग, काफ़ी अच्छा चीज़। तो गाइस फिलहाल हम नीचे उतर रहे हैं वापस से, देखो काफ़ी अच्छा है, तो कितने सारे लोग हैं आ रहे तो जा रहे। तो गाइस अभी फिलहाल आर्ट गैलरी में पहुंच गए, देखो ये फोटो गैलरी आर्ट है, वीडियो हॉल लाइब्रेरी, अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मैप भी दिया हुआ है पकौड़ा का, किस तरीके से आप लोग कहाँ पे रुक सकते हो, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है,
सारा मैप मैपिंग भी किया हुआ है, पूरा का पूरा कहाँ कहाँ से आना आप लोगों सब भी है। फिलहाल ये फोटो आर्ट गैलरी फोटो गैलरी है, यहाँ से आप देख सकते हो वो पकौड़ा था पूरा फोटोज़ है, यहाँ पे फोटोज़ भी खींची हुई अलग अलग है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग आके देख सकते हो फोटो आर्ट गैलरीज अलग अलग पूरा लगाया हुआ है, काफ़ी अलग अलग है। तो आप लोग एक बार विज़िट करके ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है कब क्या बना था क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखो चीज़ें काफ़ी अलग है देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे अलग अलग जापान मलेशिया म्यांमार कोरिया अलग अलग जगह के सब मतलब एक दूसरे से लिंक है, चाहे चाइना नेपाल सब जगह से लिंक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं। बस ये पेंटिंग गैलरी, यहाँ से आप लोग पेंटिंग देख सकते हो, अलग अलग पेंटिंग बनाई हुई है, ये देखो अलग अलग पेंटिंग्स है यहाँ पे, तो पेंटिंग भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, देखो काफ़ी अलग अलग देख सकते हो। काफ़ी पेंटिंग गाइस यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो आप लोग आके, तो ये चीज़ है काफ़ी पुराना मगध की यात्रा, मगध की यात्रा में कुछ इस तरीके से हुआ था ऐसे ही देखो आचार्य अलारा कलमा काफ़ी अलग अलग है। तो गाइस हम लोग जो है वो देख के आए अभी आर्ट्स वगैरह पेंटिंग्स, तो यहाँ पे अलग चीज़ है ये भी देख सकते हो, ये चीज़ लवा हैज बीन शट विथ वाइब्रेशन वाइब्रेशन आता है जैसे ये चीज़ बनाई हुई है, ये एक आप अगर वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो आपको अलग से साउंड क्या सुनाई देगा, एक वाइब्रेशंस मिलती है उस जगह पे, तो ये चीज़ आप फील कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोग पानी वॉशरूम वगैरह है ये भी यहाँ पे जा सकते हो फिलहाल। तो गाइस यहाँ पे देखो फूड प्लाजा भी है, यहाँ पे देख सकते हो खा रहे लोग, तो रेस्टोरेंट भी है नीचे नीचे की साइड पे, आप लोग यहाँ पे खा पी सकते हो कुछ भी। तो यहाँ से दिखा रहा हूँ गौतम बुद्ध का जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा देख के जो है बुद्धिज़्म का एक अलग ही नेचर यहाँ पे देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें बन रही है काफ़ी चीज़ें इनॉग्रेट हो रही है। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे जो हाथ है बुद्ध का वो देखने मिलेगा आप लोगों को, ये देखो इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, देखो ब्लेसिंग भी हैप्पी मे ऑल ब्लेसिंग भी हैप्पी लाइक दिस, काफ़ी चीज़ें ये चीज़ देख सकते हो आप लोग, समझ सकते हो कि कितना अलग है, एक हैप्पीनेस का जगह है, थोड़ा सा खुशी मिलती है जब ऐसी जगह पे आप आते हो, अलग ही फील क्रिएट होता है, अलग ही लेवल है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप सो कि आप लोग अच्छा लगा, तो कैसा लगा आप लोग बताओ कमेंट करो, और ज़रूर एक बार आओ यहाँ पे, थोड़ा सा अलग फील होगा, क्रिएचर अलग लगेगा, काफ़ी इन्जॉयबल मोमेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।